पारस कोई ऐसा पत्थर होता नहीं है, लेकिन भगवान का एक रूप है जो जैनियों में गाया जाता है पार्श्वनाथ के रूप में। उसका बिगड़ा रूप है स्पर्शनाथ। जिसको भी स्पर्श करेगा वो क्या बन जाएगा? सोने जैसा बन जाए, सच्चा सतयुगी आत्मा बन जाए, सतयुगी देवता बन जाए। उसको कहेंगे पार्श्वनाथ। बनाता कौन है? है पार्श्वनाथ कौन बनाता है? स्पर्शनाथ कौन बनाता है? है जिसकी बुद्धि के स्पर्श मात्र से, क्योंकि उसमें 100% सदाकाल की बुद्धि है। मन सोचने विचारने वाला मन मन नहीं है, उसमें 11वीं इंद्रिय नहीं है और 10 इंद्रिय हैं, 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 ज्ञान इंद्रिया भी नहीं और कर्म इंद्रिया भी नहीं। वो जब इस सृष्टि पर आता है, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, उसमें ये 10 इंद्रियां भी होती हैं और उन 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला पावरफुल मन भी होता है। गीता में भी कहा है इंद्रियाण परान्याहो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियेभ्य परम मन है, इंद्रियों से प्रबल मन है। क्यों? क्योंकि मन साथ देगा कोई इंद्रिय का तो वो इंद्रिय सुख भोग सकेगी। अगर मन साथ न दे, वो 11वीं इंद्रिय मन अगर साथ न दे इंद्रियों का, तो कोई भी इंद्रिय से सुख नहीं भोगा जा सकता। इसका यादगार एक ही है। अरे यादगार होते हैं कि नहीं? कौन सा यादगार है? तुम्हारा जो दुनिया में सबसे जास्ती पूजा जाता है शिवलिंग है। क्यों? उसको लिंग होता है क्या? अरे उसको 10 इंद्रियां होती हैं क्या? तो क्यों कह दिया शिवलिंग है? हाँ, कोई शरीरधारी में प्रवेश करता है जिसमें कामेंद्रिय बड़ी प्रबल होती है, इतनी प्रबल होती है कि 16,000 गोपियों का संबंध गाया हुआ है। क्या नाम देते हैं? है गोपी। गोप गोपी नाम क्यों देते हैं? हाँ, संबंध है शरीर के इंद्रियों के साथ जोड़े जाते हैं या बिना इंद्रियों के संबंध जोड़े जाते हैं? इंद्रियों के साथ ही संबंध जोड़े जाते, तो जरूर 16,000 हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों का संबंध उस भगवान बाप के साथ जोड़ा है और संग का रंग है लिया है। उन संग का रंग लेने वालों में कोई सबसे पावरफुल गोपी होगी या नहीं होगी? कौन? जगदम्बा के लिए।
प्रकृति प्रमाने प्रकष्ट रूप कृति माने रचना जो भगवान की प्रकृष्ट रचना है सबसे पावरफुल रचना है इतनी पावरफुल है कि माया भी जब थक जाती है भगवान बाप के बच्चों से युद्ध करते करते तंग हो जाती है तो किसका आधार लेती है प्रकृति रूपी जगदम्बा का आधार लेती है उससे हाथ मिलाती है हाथ माने बुद्धि रूपी हाथ मिलाती है हाथ किससे मिलाया जाता है जब युद्ध होते हैं तब दुश्मन मिलाते हैं दुश्मन नहीं मिलाते हाँ हाथ मिलाया जाता है तब जब दुश्मन को मजबूत देखते हैं पावरफुल देखते हैं तो भगवान बाप के बच्चों को माया ने जान लिया कि ये बड़े पावरफुल हैं इनसे पार पाना हमारे बस की बात नहीं है नहीं तो माया और माया को फॉलो करने वाले मायावी रावण संप्रदाय बच्चे जो अपन को समझते हैं कि दुनिया में इतने धर्म मठपंथ संप्रदाय हैं उन मठपंथ संप्रदायों में से निकलकर जो भी आता है ब्राह्मण बनता है ब्रह्मा कुमार कुमारी बनता है उसको दुनिया के कोई भी धर्म संप्रदाय वाले जीत नहीं सकते अच्छी तरह से समझती है पक्का विश्वास बैठ जाता है वो ही माया जब ये देखती है कि अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कहने वाले ये तो बड़े पावरफुल है ये प्रवृत्ति मार्ग के पक्के बच्चे हैं नंबर वन मात पिता दोनों के बच्चे हैं और अंदर में समझ जाती है कि हमसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं तो हम लोग अपना परिचय देते हैं हम अम्मा कुमार हैं ब्रह्मा कुमार हैं दुनिया की बड़े से बड़ी अम्मा कही जाने वाली उसके कुमार हैं 20 बार भी कोई पूछेगा अरे आप सच्ची सच्ची बात बताओ ना आप किसके बच्चे हैं तो अम्मा का ही नाम बताएगी या बाप का नाम बताएंगी और दुनिया में भी ऐसे बहुत बच्चे होते हैं उनसे पूछा जाए आपके माता पिता कौन है नाम तो बताओ बीज बोने वाला पिता कौन है और बीज को धारण करने वाली माता कौन है तो दुनिया में भी ऐसे बच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं वो कभी अपने बाप का नाम नहीं बताते क्योंकि अम्मा ही उनको बाप का नाम नहीं बताती अगर बताएगी तो दुनिया में क्या साबित हो जाएगा ये सदवा है चलो विधवा ही सही लेकिन सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली है बाप ने तो बता दिया हम बच्चों को कि दुनिया में सबसे जास्ती दुर्भाग्यशाली होती हैं वैश्याएं सुना कि नहीं मुरली में सबसे जास्ती दुर्भाग्यशाली तो ऐसी दुर्भाग्यशालियों का फाउंडेशन
इस सत्संगम युग में जब बाप आते हैं तो पड़ता है या नहीं पड़ता है, रिहर्सल होती है या नहीं होती है, हैं? होती है, रिहर्सल होती है, हो रही है। लेकिन क्या होता है, ये दुनिया ही ऐसी बन गई है कि जिनको ऊंची ऊंची पोस्ट मिल जाती है दुनिया की नजरों में, दुनिया के ऊंचे ऊंचे लोग उन्हें बहुत मान्यता देते हैं, जिनके पास बहुत धन होता है, सोने चांदी का भंडार होता है, तो उनको बड़ा आदमी समझते हैं। और मुरली में बोला कि बड़ों बड़ों की गुप्त रहती है, क्या कहा है, दुनिया में जो बड़े बड़े माने जाते हैं उनकी कैसी भी खराब से खराब करनी हो वो गुप्त रहती है, लोग उसे गुप्त रखते हैं, डर के मारे नहीं बताना चाहते हैं या प्रत्यक्ष कर देते हैं, गुप्त रखते हैं। यही हाल है कि वो माया की बेटियां, किसकी बेटियां, माया की बेटियां। माया की बेटियां क्यों कहा है, माया की बेटियां क्यों कहा, अरे भगवान को तो मायापति कहा जाता है, नीच क्यों समझते हैं, हैं? मायापति भी कहा जाता है, लक्ष्मीपति भी कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं, कहा जाता है। तो देखो वो माया बेटी को फॉलो करने वाले वो नहीं जानते हैं इस दुनिया में देवी देवताओं का पक्का प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, अव्वल नंबर का धर्म स्थापन करने वाला भगवान बाप कौन है। वो माया बेटियां किसको बाप मान लेती हैं? हैं? ब्रह्मा को ही बाप मान लेती हैं। कहती हैं निराकार बाप दादा लेखराज ब्रह्मा में ही आकर के बाप भी बनता है और माता भी बनता है।